हम तो नीचे हम प्रॉपरली इस गन को हमने अपने डस्टबिन में रखते हैं और दूसरे दिन हम उसको किसी लिफाफे में या डब्बे में डाल के तो डस्टबिन में डाल देते हैं जो म्युनिसिपैलिटी का रखा हुआ है नीचे। और जो बाहर से गंद है ना गलियों वगैरह में पड़ी हुई ये थोड़ा इसकी थोड़ा काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि तो हमें भी दिक्कत है ये जो यहाँ गलियां भी नहीं बनी है जैसे हमारे यहाँ से रोड भी नहीं बना है रास्ता नहीं है तो इसमें काफी दिक्कत आ रही है। इसके बारे में आपने कभी कुछ किया नहीं मतलब डस्टबिन वगैरह लगाना चाहिए या और कुछ? हाँ क्यों नहीं, हम डस्टबिन तो लगे हैं, रास्ता ही नहीं रास्ता ही बंद किया है ना लोगों ने ये किसी ने। तो आपने कभी ये बाहर से साफ करने की नहीं सोची मतलब साफ करना चाहिए अंदर तो आपको? नहीं नहीं हम तो करते रहते हैं बाहर तो हम डेली करते हैं लेकिन सरकार इसके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कुछ नहीं है हम तो करते रहते हैं इसको साफ ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपको पता है आप जाओ अभी देखो कितने कुत्ते और कितने ये बहुत मतलब कुत्ते गद्दे ये सारे उधर बैठे होते हैं। अब क्या करेंगे कल मैं यहाँ से निकली सुबह वो कुत्ता एक मुझे सीधा खाने के लिए आया है मतलब घर वालों को भी हमें भी दिक्कत है ये तो काफी बड़ी दिक्कत है आज हर जगह। जैसे पॉलीथीन का यूज कर रहे हो शॉप पे जा रहे हो तो आप पास से कुछ ला रहे हो वो पॉलीथीन बैग हमने सुना है पॉलीथीन का बैन हुआ है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है यहाँ सिर्फ सुनने में आ रहा है तो वो होगा तो वो हम ही लोग करेंगे बैन होना चाहिए बैन होना चाहिए। आपको स्टेप ले रहे हो जैसे आप शॉप पे जा रहे हो तो आप बैग ले रहे हो दुकानदार तो पॉलीथिन यूज करते हैं अगर वो वहीं से पीछे से ही बंद हो जाए तो पॉलीथिन बैग ही लेकर जाएंगे हर किसी चीज के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ये सफाई कैसे होनी चाहिए साफ रखें? सफाई तो सबकी जिम्मेदारी है पूरे समाज की जिम्मेदारी है ये तो सबकी जिम्मेदारी है अब हर एक को चाहिए सफाई के जलाना नहीं है आपने उनको आपने कंपोस्ट करने उसमें डालना है उसको एक दो साल के बाद निकालो मैन्यूर में बदल जाता है उसको आप खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्लास्टिक बनता है आपको उनको आपने जलाना नहीं क्योंकि उससे भी एयर पोल्यूशन होता है आपको उनको क्या करना है उनको म्यूनसिपैलिटी में आपने डाल देना है उसको रिसाइकिल कर देंगे आपको आपको जो आपको अच्छा लगता है कि प्लास्टिक वेस्ट आपके प्लास्टिक आपके दुकानों में यूज़ होता है इसके आपके जूट बैग्स आ रहे हैं आप उनका यूज़ करें वो काफ़ी सस्ता भी होता है इन सब चीज़ों और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है आप उनका यूज़ करें आप चाहते हैं कि वो इस्तेमाल हो आपके दुकानों में सबसे बड़ी बात है अब लोगों को अवेयरनेस जितना करोगे तो उतना अच्छा है। कई लोग आज भी हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है कि गन डालने से क्या होता है आसपास में माहौल कैसा है कैसा मतना होता है कई लोग तो अच्छी बात है क्या करना है अच्छा लगा आपसे मिलकर आपने बोला ऐसी बात बोली ऐसा समझाया तो बहुत अच्छा है। शिक्षा लोगों को जहन में डालो ये खासकर महिला महिलाओं में ताकि हम एक अच्छा देश बनाएं एक अच्छा प्रोग्राम चलाएं क्योंकि दुनिया जो है क्लोज एक मतलब ये मीडियम की तरफ दरमियानी फासले की तरफ आ रहे हैं लोगों की सोच खराब है लोगों का दिमाग जो है इसको और हमने डेवलपमेंट करना है डेवलप हो जाए लोगों को तो ये आपके जरिए होगा छोटे बच्चे हैं आप तो आपने करना चाहे आज हमने सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में आज हमने अवेयरनेस की कि हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करें और इसको हम किस तरीके से हम इनको डिकम्पोज करें। आज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हमने कंपोजिट शीट बनाने जिससे हमने लोगों को अवेयर किया और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने रिसाइकिलिंग के लिए भेज देना है। आज आप इधर के लोकल हैं हमने आज आपके एरिया में सफाई की हमने आपको किस तरीके हम डिफ्रेंशिएट करें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है मतलब जिनको हम किसी ज़मीन में डाल सकते हैं और उनको हम सड़ कर सकते हैं और हम
फर्टिलाइजर में खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अलग करना है, जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं, उनको हमें अलग करना है, जो सड़ते गलते हैं उनको हम खाद के तौर पर खेतों में यूज कर सकते हैं, जो नहीं सड़ते उनको हमने म्यूनसिपैलिटी में दे दें ताकि वो उनको रिसाइकल कर सके, दोबारा से बना सके, लेकिन उनको जलाना नहीं है, ठीक है।